झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। आज जानते हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो 2024, मतलब राहुल गांधी अगर पीएम बने तो देश में अगले 5 सालों में क्या क्या होगा। सबसे पहले प्रॉमिस किया गया है कि भारत के हर गरीब परिवार के खाते में साल के 1,00,000 रुपए डाले जाएंगे। फिर इतने सालों से पेंडिंग कास्ट सेंसस करवा के एससी एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन को 50% से भी ज्यादा ले जाएंगे। कंट्रोवर्शियल अग्निपथ स्कीम को स्क्रैप किया जाएगा। मैनिफेस्टो के हिसाब से जीएसटी 2.0 रिलीज होगा, जिसमें हर प्रोडक्ट के लिए सेम जीएसटी रेट होगा। एक नया राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट लाया जाएगा, जो हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर को 26,000 रुपए प्रति महीने की 1 साल की अप्रेंटिसशिप देगा। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से प्रॉमिस किया गया है कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में विमेन के लिए 50% रिजर्वेशन रखा जाएगा। किसानों की डिमांड को पूरा करते हुए तुरंत ही एमएसपी को लीगल बैकिंग दी जाएगी। इसके अलावा जेएनके को फुल स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा। ये थी मैनिफेस्टो 2024 सीरीज की मेरी पहली वीडियो। ये वीडियो सभी भारतीयों तक पहुंचनी चाहिए ताकि वोट डालते हुए वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। अगली वीडियो में बीजेपी के मैनिफेस्टो को भी ऐसे डिटेल से समझेंगे। ऐसे ही पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए फॉलो विशाल रत्तेवा।